गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेस में हमने मैनिपुलेटर्स देखे थे। आज उसी पिछली क्लासेस में अपन ने जो मैनिपुलेटर्स देखे थे, एंडल, सेट डब्ल्यू, सेट प्रीशियंस, सेट फिल, ये कुछ फिक्स्ड और साइंटिफिक कुछ मैनिपुलेटर्स अपन ने देखे थे। आज अपन जो मैनिपुलेटर्स देखेंगे, नेक्स्ट मैनिपुलेटर्स हमारे पास है सेट बेस मैनिपुलेटर। सेट बेस मैनिपुलेटर्स क्या करता है कि अगर जिस बेस के आधार पर हमें वैल्यू कन्वर्ट करानी हो न्यूमेरिकल में, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सेट बेस। जैसे डेसिमल का जो बेस हमारे पास है वो कितना, 10 है। हेक्सा डेसिमल का जो हमारे पास कोड है वो है 16, ऑक्टल का 8। जीरो बेस एनी अदर वैल्यू के लिए हमारे पास जीरो है। और ये क्या करता है, कन्वर्जन का काम करता है। एक बेस से दूसरे बेस में वैल्यू को कन्वर्जन का काम करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, सेट बेस का। क्लियर। तो ये आज अपन देखते हैं सेट बेस मैनिपुलेटर काम कैसे करता है। सेट बेस मैनिपुलेटर्स, ठीक है, ऑक्टल यूज़ करते हैं, हेक्स यूज़ करते हैं और हेक्साडेसिमल यूज़ करते हैं। उसके बाद अपन अदर देखेंगे, रीसेट, आयो फ्लैक्स, इसको भी अपन आज देखेंगे। तो इन पर अपन काम करना आपको बताते। तो पहले अपन देखते हैं सेट बेस मैनिपुलेटर्स, ठीक है। तो सेट बेस मैनिपुलेटर्स कैसे काम करता है, तो अपन सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं। क्लियर। सी प्लस प्लस को अपन ओपन किया और इसके बाद अपन ने यहाँ पे फाइल ली, आयो स्ट्रीम हैस इंक्लूड आयो स्ट्रीम। उसके बाद अपन ने यूजिंग एक हॉट हेडर फाइल्स यूज करते हैं अपन को मालूम कौन, आयो मैनिप। तो अपन ने यहाँ पर ले लिया आयो मैनिप। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। उसके बाद अपन ने क्या किया, int main फंक्शन लगाया। उसके बाद अपन ने यहाँ पे क्या किया, सी आउट। और यहाँ पर अपन ने दे दिया सी आउट सेट बेस। क्या दिया, सेट बेस। अब जो भी वैल्यू हो हमने यहाँ पे पास कर दी 16। क्या पास कर दिया, 16। और यहाँ पे हमने दे दिया 110। अब ये देखिए 110 को किसके आधार पे कन्वर्ट कर देगा, रिटर्न जीरो। तो अपन ने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे अपन ने दे दिया S1। क्या दे दिया, S1, कुछ भी और नाम दे देते हैं इसका, G1, ठीक। अब इसको आप प्रोग्राम को कंपाइल करें, कंपाइल और इस प्रोग्राम को रन। तो ये देखिए इसने किसमें, 6E में कन्वर्ट कर दिया। अगर इसको आप हेक्साडेसिमल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो आपको इसका क्या मिले, XE, क्या मिलेगा, XE। इसी तरह अब इसका हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं सेट मैनिपुलेटर्स का। सेट मैनिपुलेटर्स देखिए एक तरीके से और काम करता है हमारे पास। अब अलग अलग जैसे हमारे पास वैल्यूज़ हैं, उन अलग अलग वैल्यूज़ को अपन को कैसे प्रिंट कराना है इसमें अपन देखते हैं पहले, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पर क्या किया, जैसे इसी तरह इसको हमने किसमें कन्वर्ट किया, 16 में कन्वर्ट किया। इसी तरह हम इसमें और एक ऐड करते हैं, सी आउट एट वैल्यू ले लेते हैं, इंट वैल्यू सी आउट डबल कोट एंटर द वैल्यू सीन वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर अपन क्या करते हैं, वैल्यू देते हैं, कहते हैं वैल्यू। उसके बाद सी आउट सेट बेस, अब इसे किसमें कन्वर्ट कराना, ऑक्टल में। तो ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8। यहाँ पर अपन दे दिया वैल्यू हैंडल सी आउट। उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया जिसे सेट बेस। अब अपन इसको डेसिमल में कन्वर्ट कराएंगे, तो डेसिमल का बेस कितना होता है, 10। तो अपन ने 10 दे दिया वैल्यू एंडल। तो अब अपन इस प्रोग्राम को सेव करके प्रोग्राम को क्या कराते हैं, कंपाइल, और प्रोग्राम को हमने यहाँ से क्या कराया, रन। तो अब जैसे हमने डाला 10, तो 10 को अगर हम डालेंगे तो 10 का हेक्साडेसिमल कितना होगा, 10 का हेक्साडेसिमल कितना होगा, 8। ऑक्टल कितना होगा, 12। और डेसिमल कितना होगा, 10। तो देखिए ये सेट बेस मैनिपुलेटर्स क्या करता है,
सीधे सीधे उसको हमारे पास वैल्यू में कन्वर्ट करने का जो काम, यानी एक उससे कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, हमारा सेट मैनिपुलेटर्स काम करता है। अब देखिए सेट मैनिपुलेटर्स को हम एक तरीके से और यूज़ करके आपको बताते हैं कि जैसे हमें मान लो सपोज दैट ये तुम्हारा किससे, अब अपन जैसे उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं बेस के आधार पर कन्वर्ट करना चाहते हैं, बेस के आधार पर जैसे अपन चाहते हैं डेसिमल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है आपका आपका वैल्यू के आधार पे मीनिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैल्यू के आधार पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे अपन ने ये दे दिया, अब इसी प्रोग्राम में अपने एक प्रोग्राम दूसरा बनाते हैं और अब अपन डायरेक्ट कैसे देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन बताया, क्या बताया कि अपन यहाँ पे ऐसे यूज़ कर सकते हैं, हेक्सा डेसिमल के लिए डीसी, ऑक्टल के लिए ओटीसी और हेक्स के लिए हेक्स लिख देते हैं। पूरा अपन बेस नहीं अपन यूज़ करेंगे, क्या नहीं यूज़ करेंगे, बेस यूज़ नहीं करेंगे अपन। अब देखिए इनके लिए अपन कैसे काम करते हैं, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग, सॉरी एक हेडर फाइल और यूज़ करेंगे, इंक्लूड आयो मैनिप, दूसरा हमने लिया यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मैन, चला इंट मैन फंक्शन, और यहाँ पर हमने ले लिया इंट वैल्यू, वैल्यू इनपुट कराने के लिए सी आउट एंटर द वैल्यू सी इन वैल्यू हमने इनपुट करा ली सी आउट। अब एक एक हम प्रिंट कराते हैं, तो पहले हमने क्या प्रिंट करा, डेसी मल वैल बेस, किसके बेस, डेसी मल बेस कॉलन, यहाँ पर हमने क्या दे दिया डीसी, क्या दे दिया डीसी, और यहाँ पे दे दिया हमने वैल्यू एंडल, क्या लगाया एंडल, दूसरा हमने सी आउट, यहाँ पे दे दिया हमने क्या हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल बेस कॉलन, तो हमने हेक्सा के लिए क्या बताया लिखते हैं ई एक्स, उसके बाद हमने वैल्यू क्या दे दिया वैल्यू वेरिएबल नेम एंडल। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट ऑक्टल, ऑक्टल बेस सी आउट, तो यहाँ पर क्या दे दिया ऑक्टल बेस, और यहाँ पे क्या लगा दिया हमने ऑक्टल के लिए ओ सी टी, क्या लगा दिया ओ सी टी, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या दिया वैल्यू, क्या दिया वैल्यू, और यहाँ पे दे दिया हमने क्या एंडल, क्या दिया एंडल। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया रिटर्न, अब हमने सेट बेस नहीं यूज़ करके डायरेक्ट उसकी क्या वैल्यू कर दी डेसिमल हेक्सा और ऑक्टल। अब इस प्रोग्राम को सेव कर दिया, जैसे सपोज दैट इसका नाम दे दिया G2 सेव। अब इस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे कंपाइल और यहाँ से करेंगे रन, तो देखिए वही काम करेगा, हमने डाला 12, अब 12 का देखिए हमारे पास जो डेसिमल बेस है वो किस तरह 12 ही आएगा। हेक्सा डेसिमल क्योंकि हेक्सा डेसिमल में आपको मालूम 9 से ऊपर ABCD स्टार्ट हो जाते हैं, तो 12 का हेक्साडेसिमल क्या होगा सी, ऑक्टल का हम बेस ऑक्टल को अगर हम 12 को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 14 मिलेगा, कितना मिलेगा 14। तो ये देखिए हमने डायरेक्ट यहाँ से इन सेट मैनिपुलेटर से वैल्यू को क्या कर दिया हमने यहाँ से कन्वर्ट करा दिया, वैल्यू को डायरेक्ट हमने क्या कर दिया यहाँ से कन्वर्ट कर दिया, क्लियर। तो हम चाहे सेट बेस के आधार पर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सेट बेस जो हमारे पास मैनिपुलेटर्स हैं या सेट बेस की जो वैल्यूज है हमारे पास DEC, हेक्सा और ऑक्टल, इनके आधार पर भी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं कन्वर्ट करा सकते हैं, क्लियर। तो हमारे पास ये कन्वर्ट, नेक्स्ट हमारे पास है सेट iOS फ्लैग और रीसेट iOS फ्लैग। अब सेट iOS और इनका यूज़ कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग में आपको बताएं कि किसी फ्लैग्स को अगर हमें सेट करना है तो हम सेट iOS फ्लैग्स का यूज़ करते हैं, दोबारा उसको रीसेट करना है तो रीसेट iOS फ्लैग का यूज़ करते हैं। अब देखिए इनका एक एग्जांपल देके आपको हमें समझाना पड़ेगा कि कैसे इनको यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग, क्लियर। तो अपन क्या करते हैं प्रोग्राम बनाते हैं, एक सोर्स ले लेते हैं,
तो हेडिंग डाल देते हैं सेट आईओएस फ्लैग। क्या करते हैं, सेट आईओएस फ्लैग, क्लियर, सेट आईओएस फ्लैग। अब अपने जैसे यहाँ पे एस इंक्लूड, इनकी कुछ वैल्यूज होती हैं, मैं नोट्स में भेज दूंगा, स्ट्रीम एस इंक्लूड आयो मैनिप यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, आयो मैनिप नेम स्पेस एस टी डी। अब अपन किसका यूज कर रहे हैं, सेट मैनिपुलेटर्स का यूज कर रहे हैं, क्या सेट आयो एस फ्लैग्स का यूज कर रहे हैं। अब अपन फ्लैग का यूज करके यहाँ प्रोग्राम बनाएंगे, तो अपन यहाँ पे क्या किया, इंप्लीमेंट, उसके बाद अपन ने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया, किसके लिए, वैल्यू के लिए, तो वैल्यू ही नाम दे दिया इसका, सी आउट, यहाँ पे दे दिया हमने क्या, एंटर द वैल्यू, एंटर द वैल्यू सी इन, वैल्यू में हमने वैल्यू इनपुट करा ली, जो वैल्यू नाम का वेरिएबल बनाया हमने, इसमें वैल्यू हमने क्या कर दी, इनपुट कर दी। अब अपन क्या चाहते हैं, यहाँ पे लगाना चाहते हैं सेट फ्लैग, किसका यूज़ करता है, सेट फ्लैग का यूज़ करना चाहते हैं, तो सेट आईओएस, तो यहाँ पे हम देंगे सेट आयो, आयो क्यों लगाते हैं, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए, आईओएस फ्लैग्स, आईओएस फ्लैग्स। उसके बाद अब यहाँ पे आईओएस के साथ, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के साथ आईओएस क्या चाहते हो, अब देखिए जैसे ही आपने चला तो आपके यहाँ पे देखिए सारे फंक्शंस यहाँ पे ओपन हो गए ऑटोमेटिकली। तो हम क्या चाहते हैं, शो बेस करना चाहते हैं, बेस को क्या करना चाहते हैं, शो करना, तो शो बेस हमने क्या दे दिया, शो बेस, क्लियर, सेमी कॉलन से टर्मिनेट। उसके बाद अपन ने क्या किया, सी आउट, सी आउट, यहीं पे अपने दे दिया सेट आयो एस फ्लैक्स, क्या दे दिया, फ्लैक्स, और इसके अंदर अब कौन सा बेस चाहते हो, आयो एस, हमने यहाँ पे दे दिया डी सी, क्या दे दिया, डी सी। अब हम यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, तो सी आउट हमने दे दिया डेसिमल, क्योंकि हमने डी सी दिया, हमने यहाँ पे क्या कहते हैं, डेसिमल बेस, डेसिमल बेस कॉलन, हमने यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करा लिया, वैल्यू को हमने यहाँ पे क्या करा लिया, प्रिंट करा लिया। एंडल पहले इतना देख लेते हैं, फिर हम मांगे इसमें रिटर्न जीरो। अब इसको देखते हैं, सेव, हमने यहाँ पे कर दिया जी थ्री, प्रोग्राम को हमने यहाँ से कंपाइल किया, प्रोग्राम कंपाइल हो गया, अब हमने यहाँ से रन किया, तो अभी हमने डाला 10, तो रिजल्ट भी हमें कितना मिलेगा, 10 ही मिलेगा। अब हम इसी मैनिपुलेटर्स पे, इसने जितना हमने इसमें सेट किया, अब इसी पे हम ऑक्टल चलाते हैं, क्या चलाते हैं, ऑक्टल के लिए क्या चलाते हैं, ऑक्टल, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, तो इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया इतना, और यहाँ पे अगेन हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब हमने यहाँ पे कर दिया ओ सी टी, क्या कर दिया, ऑक्टल के लिए, तो हमारे पास बेस जो होगा वो क्या होगा, ऑक्टल, ओ ऑक्टल, ऑक्टल। उसके बाद इसी तरह हमने किसके लिए बना लिया, हेक्साडेसिमल के लिए, तो हेक्साडेसिमल का अभी मैंने क्या बताया, हम ये मैन, अब हम फ्लैक्स के थ्रू कर रहे हैं, मैनिपुलेटर्स के थ्रू नहीं, फ्लैक्स के थ्रू कर रहे हैं, तो हेक्साडेसिमल का हमने क्या किया, ई एक्स सी शॉर्ट फॉर, और यहाँ पे हमने कर दिया हेक्साडेसिमल, क्या कर दिया, हेक्सा डेसिमल, हेक्सा डेसिमल। अब इसको हमने सेव कर दिया प्रोग्राम, अब अगेन इस प्रोग्राम को हमने कंपाइल और इसके बाद इसको रन कराया, अब देखिए वैल्यू डाली हमने 12, तो देखिए 12 का हमारे पास शो बेस, इसका देखिए बेस शो कर रहा है, बेस कितना 12, सबका हमारे पास यहाँ पे क्या कर रहा है, बेस शो कर रहा है, शो बेस, हमने ऊपर कौन सा लगाया है, अब वैल्यू कन्वर्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या दे रहा है, शो बेस, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जो फ्लैक्स लगाया है वो क्या लगाया हुआ है, शो बैक्स बेस, क्या लगाया है, शो बेस, यानी सबका हमारे पास जो बेस शो कर रहा है वो क्या शो कर रहा है, बेस शो कर रहा है, ठीक है ना। कंपाइल, उसके बाद प्रोग्राम रन, डाला हमने 10, अब यहाँ पे हमारे पास सबका इस तरह से, अब इसको जैसे अपन चाहते हैं कि फ्लैग्स हमारे पास काम कर रहा है, शो बेस, क्लियर, अगर हमें यहाँ फ्लैग वैल्यू कन्वर्ट करानी होगी तो वैल्यू हमें क्या कर देगा, ये कन्वर्ट करके हमें यहाँ पे दे देगा, क्लियर।
देखिए ये प्रोग्राम जो इसमें आउटपुट थोड़ा गड़बड़ा रहा है वो टर्बो सी प्लस प्लस एडिटर हमारे पास उनको ये प्रोग्राम बनाया। अब अगर हम इसमें वैल्यू इनपुट करते हैं जैसे प्रोग्राम बनाया अपन ने इसमें इसी वही प्रोग्राम इसमें ओपन कर लिया अपन ने, अब देखिए इसको रन कर रहे हैं तो अगर हमने डाला देखिए 10, तो 10 का देखिए हमारे पास बेस कितना मिलेगा, डेसिमल 10 ही मिलेगा, ऑक्टल 12 और हेक्सा डेसिमल का हमारे पास देखिए कितना दे रहा है, ए दे रहा है। तो कभी कभी कोई भी प्रॉब्लम किसी न किसी एडिटर या किसी न किसी कंपाइलर कुछ इशूज या प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं जिससे आप ये समझिए कि हमारे प्रोग्राम का कोई कोड या लॉजिक गड़बड़ है, ठीक है। तो इस टाइप से आप इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। इसी में हमारे पास जैसे हम यूज़ करना चाहते हैं इसी में अपन क्या करना चाहते हैं, इसे प्रोग्राम से अपन यूज़ करना चाहते हैं इसी में दूसरा प्रोग्राम यूज़ करना चाहते हैं इसी तरह बनाना चाहते हैं तो अपन ने यहाँ पर न्यू लिया, ठीक है। तो अपन यहाँ पे एक प्रोग्राम और न्यू करने के बाद न्यू के बाद अपन क्या करते हैं जैसे अपन इसी पे एक बेस प्रोग्राम और बनाते हैं अपन, जैसे अपन इस पे ऑक्टल बेस पे जैसे अपन कभी कभी स्टूडेंट्स से मैनिपुलेटर बेस पे, तो अपन जैसे कभी कभी आपने देखा होगा जैसे हम कभी स्ट्रिंग लगातार स्ट्रिंग इनपुट करते हैं तो स्ट्रिंग इनपुट करने के बाद अपने पास क्या होता है कि कभी कभी दोनों स्ट्रिंग एक साथ आ जाती हैं। तो ऐसे में अगर हमारे पास कभी प्रॉब्लम आए तो हमें यहाँ पर स्ट्रीम डॉट एच अभी बता रहा हूँ क्या करना है, बल्कि हैस इंक्लूड कोनियो डॉट एच ponio.h has include iomanip.h। एक फ्लश फंक्शन आपने पढ़ा होगा void जैसे अपन एक स्ट्रिंग डाला जैसे अपन दे दिया सी आउट और अपन ने यहाँ पे कर दिया माई वे नेम इच कुछ भी डाल राम कुछ भी डाल स्लैश एन, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे दिया जानकी स्लैश एन, ठीक। उसके बाद आपने अगर आपके पास कभी कोई स्क्रीन लगातार स्क्रीन प्रिंट करता है तो आप यहाँ पे एक और मैनिपुलेटर यूज कर सकते हैं सी आउट डॉट फ्लैश, क्या कर सकते हैं सी आउट डॉट फ्लैश गेट सी एच स्क्रीन को अगर आपको जो आउटपुट जो उसमें बफर है बफर को अगर आपको क्लियर करना है तो कभी कभी हम इसका यूज़ करते हैं फ्लैश फ्लैश फंक्शंस का यूज़ करते हैं फ्लैश मैनिपुलेटर्स का यूज़ करते हैं। अब आप इस प्रोग्राम को यहाँ से क्या कर सकते हैं कंपाइल और रन, क्लियर। जगह कभी कभी जैसे आप जैसे कभी कभी स्ट्रक्चर का प्रोग्राम बनाते हैं सी प्लस प्लस को प्रोग्राम बनाते हैं तो आपने देखा होगा एंटर द नेम एंटर द जेंडर एंटर द लगातार जब स्ट्रिंग आप लेते हैं तो वो प्रॉब्लम करने लगता है। तो ऐसी प्रॉब्लम को बचने के लिए अपन क्या कर देते हैं एक के बाद एंटर द स्ट्रिंग एंटर द नेम उसके बाद अपन क्या करते रहते हैं फ्लश फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कभी कभी अपने पास स्टूडेंट जैसे अपन ने यहाँ ले लिया तो अपन यहाँ पे कभी अगर इस टाइप प्रॉब्लम है कि कंटिन्यू आपकी दोनों स्ट्रिंग एक साथ ले लें तो आप इसको कैसे सॉल्व करें, जैसे हमने मान लो यहाँ पर ले लिया फॉर एग्जाम्पल कैर नेम ले लिया यहाँ पर दिया हमने 20, ठीक। उसके बाद हमने यहीं पर कैर ले लिया मान लो यहाँ पे जेंडर साइज दे दिया हमने सपोज 20, यहीं पे हमने ले लिया कैर सिटी क्या ले लिया कैर सिटी यहाँ पे ले लिया तो लगातार हमने स्ट्रिंग यहाँ पे ले ली सी एल एस सी एल। तो कभी कभी जैसे हमने इनपुट कराते हैं सी आउट एंटर द नेम सी इन
सी आउट एंटर द जेंडर जेंडर सी आउट सीन हमने यहाँ पे क्या देखे जेंडर सी आउट यहाँ पे दिया एंटर द सिटी एंटर द सिटी तो हमने यहाँ पे सी आउट सीन यहाँ पे हमने क्या कर दिया सिटी कर दिया ठीक है क्या कर दिया हमने यहाँ पे सिटी कर दिया। तो अब अपने पास कभी कभी क्या होता है कि से अपने पास सी आउट अब इसको इतना ही रखते हैं ठीक है। इस प्रोग्राम को हमने कंपाइल किया कंपाइल हो गया रन किया रन करने के बाद हमने यहाँ डाल जेंडर डाल दिया सिटी डाल दिया। तो कभी कभी आपने देखा होगा क्या होता है कि ये कंटिन्यू लेता चला जाता है कि आप डायरेक्ट स्केप कर दे तो हर एक स्ट्रिंग के बाद आप यहाँ पर दे सकते हैं सी आउट डॉट फ्लश ठीक इसको उसके बाद सी आउट डॉट फ्लश ऐसे इनको एक एक करके आप इनको क्या कर सकते हैं खाली कर सकते हैं क्लियर। तो इतना टाइम काम कर लीजिए आपको फिर अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमको यहाँ पे बताएंगे ठीक है। ये आपके कुछ मैनिपुलेटर्स थे जिनको हमने आपको देखा बताया ठीक है क्लियर। तो इनको आप कर लीजिए फिर कोई अगर दिक्कत आए तो हम मुझे मैसेज करके जरूर बताइए। थैंक यू।